वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वुडमास्टर एसएच, मेरा नाम है सिद्धाम हुसैन। तो दोस्तों, आपके कमेंट बहुत आते हैं कि भैया हम जब पल्ले सेट करते हैं उसमें हमें कितना ग्रुप रखना चाहिए। तो वो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जब आप डोर बना रहे हैं तो उसके बीच में आप कैसे ग्रुप रख सकते हैं और डोर को कैसे सेट कर सकते हैं और सारी चीजें बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आप डोर बना रहे हैं तो फिर डोर आपको कैसे बनाने चाहिए, चाहे तो आप प्लाईवुड में यूज करो, एचडीएचएमआर करो या कुछ भी करो, अदरवाइज वो आपकी इच्छा है आप क्या लगा रहे हैं। ग्रुप आपको जो रखना है वो आपको रखना है लैमिनेट के हिसाब से, कि आपको लैमिनेट की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी आने वाली है। यानी कि अगर हम अक्रैलिक यूज कर रहे हैं, अगर 1.5 mm की हमारी अक्रैलिक है तो फिर आप 1.5 और 1.5, यहाँ पर आपको 3 mm आपका हो जाता है, यानी कि एक सूत हो जाता है। तो बीच में आप यहाँ पर 2 सूत ग्रुप रख सकते हैं, जिसमें से फाइनल आपका 1 सूत ग्रुप आ जाएगा। उससे थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं तो एकदम बेस्ट ग्रुप आपका आता है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आप जब यहाँ पर पल्ले डाट रहे हो, डाटते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो पल्ले हैं वो सेंटर में जो आपका ग्रुप आने वाला है तो वो आपका किस हिसाब से आ रहा है। आप वहां पर इंजिस कौन से यूज करने वाले हैं, 0 क्रैंक करने वाले हैं या फिर आप यहाँ पर 8 नंबर करने वाले हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। मगर जो मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो ग्रुप रखना है, जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टैंडम बॉक्स चलाए हुए हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमने देखते होंगे, इधर तो हमने 2.5 सूत गैप दिया हुआ है, इधर आप देखोगे यानी कि 2.5 सूत हमने ग्रुप दिया हुआ है हमारा। यहाँ पर 1.5 mm का इस टक्कर पे लैमिनेट आ जाएगा अक्रैलिक और 1.5 इसमें, तो यहाँ पर बीच में आराम से यहाँ पर 1 सूत समथिंग यहाँ पर ग्रुप बच जाएगा। तो लमसम 1 सूत ग्रुप बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइस देखिए, हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है काम करने का। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पल्ले पूरे यहाँ पर डांटते हैं, डांट करके इंजिस गलाते हैं और गलाने के बाद में फिर यहाँ पर फिर दोबारा टांगते हैं उनको, फिर उसके बाद में उतार के लैमिनेट लगाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम आपसे पहले बता दें, हम यहाँ पर तो टैंडम बॉक्स तो इस तरह से माथे चलाने पड़ते हैं पहले, बट जो इन पल्ले होते हैं आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर कील मार रखी है, इनमें कील मार के भी सेट कर रखे हैं। अगर आप देखते हैं तो ये भी सेट हुए हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बस हमने अभी प्रेजेंट में इसको सेट कर लिया, करने के बाद में बट डायरेक्ट इसमें नंबर डाल के हम लैमिनेट लगा देंगे, एज बाइंडिंग जो भी टेप लगानी टक्कर पे पूरा कवर कर लेंगे, पल्ले को पूरा फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद फिर इसमें हम इंजिस लगाएंगे, इंजिस लगाने के बाद फिर इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल लास्ट में एकदम फिटिंग कर देंगे। ऐसा नहीं पहले हम पल्ले डाटते हैं फिर पहले कब्जे लगाए फिर कटिंग करें, उसमें आपका टाइम खराब होता है। तो आपको भी इस चीज की नॉलेज होगी, अगर आप अंदर अंदर फिक्स वाले जैसे आपके डब्लू कब्जे हो गए, 3 इंची वाले हो गए, उसमें आपको जरूरत होती है कि आप उसको पहले डाट ले, क्योंकि उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बट जो हमारे ऑटो इंजिस होते हैं उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, सारे ऑप्शन उसमें आपको मिल जाते हैं, इस चीज को आपको अच्छे से पता है। तो इस हिसाब से अगर टाइम बचाना है तो आप पहले पल्ले यहाँ पर सेट कर लें, उसके बाद पूरा फिनिश करने के बाद कब्जे गलाए, गलाने के बाद में पल्ले टांगे, तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा और काम करने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि पहले आप यहाँ पर देखिए पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर इंजिस गला लेते हैं, गलाने के बाद में फिर यहाँ पर टांगते हैं पल्ले, फिर पल्लों को उतारते हैं, फिर वो इंजिस आपको इधर का उधर हो जाता है, सारी सेटिंग खराब हो जाती है, तो उसमें आपको दिक्कत होती है, फिर दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छा तो ऑप्शन यही है, टैंडम बॉक्स में तो आपको लगाने पड़ते हैं पहले ही, टैंडम जो बॉक्स होता है जैसे हमारे ये, इनमें तो माथे आपको पहले ही सेट करने पड़ेंगे, वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं तो ऐसे करता हूँ, मैंने माथे भी बाद में सेट करे हैं, यानी कि मैं पहले माथे पूरे पूरे फिट करके भी पूरे फिटिंग नहीं की, ऐसी डाट के कटिंग करके मैंने ऐसे भी करा हुआ है, पूरे कटिंग करने के बाद में बस सारी प्रोफाइल के हैंडल कटिंग करने के बाद पूरे पीस फिनिश करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे करे हैं, यहाँ पर फिट करे हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको पता होगा इसमें भी एडजस्टमेंट का सिस्टम होता है, इसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो इजिली, यहाँ से अगर देखते हो आप साइड से तो इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे इसमें भी आप कर सकते हो। तो उसमें बट ये है कि थोड़ा सा रिस्क काम हो जाता है, वो आगे अगर इसमें ग्रुप प्रॉपर मिले ना मिले तो वो उसमें भी आपको दिक्कत आने के चांस रहते हैं। तो बस आज के लिए यही था, तो ग्रुप आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए और दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर आप पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद, जय भारत।